यूपी में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और देश की तमाम पार्टियां भी इस गठबंधन में शामिल हैं, जिसका नाम है इंडिया गठबंधन। तो समाजवादी पार्टी भी फिलहाल इस इंडिया गठबंधन का एक छोटा सा हिस्सा है। यहाँ हम सपा को एक छोटा सा हिस्सा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि माना जा रहा है कि इंडिया अलायंस की मूल पार्टी कांग्रेस ही है। हालांकि अलायंस के सभी नेता इससे इनकार करते हैं। तो बात ऐसी है कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी यूपी के छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है, लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि गठबंधन सिर्फ विधानसभा तक सीमित था और लोकसभा के लिए नहीं। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या यूपी में सिर्फ कांग्रेस के बल पर समाजवादी पार्टी को जीत हासिल होगी, और अगर नहीं तो छोटे दलों से रिश्ता तोड़कर सपा को कितना नुकसान होने वाला है। बता दें कि 2022 में सपा ने जिन पार्टियों के साथ गठबंधन किया था उनके पास अच्छा खासा ओबीसी वोट बैंक था, जिससे सपा का वोट परसेंट और सीट बढ़ी थी, लेकिन सपा को जीत हासिल तब भी नहीं हुई थी। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले सपा ने इनमें से अधिकांश दलों के साथ समर्थन खो दिया है। बाकी दलों की बात करें तो इनमें से केवल महान दल का समर्थन सपा के पास है, जो हालांकि औपचारिक गठबंधन नहीं है, लेकिन उसने कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी को समर्थन देने का फैसला किया है। मालूम हो कि यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं और कांग्रेस और सपा के बीच सीटों का बंटवारा कुछ इस तरह से है कि 80 में से सपा के पास 63 सीटें हैं और जबकि कांग्रेस के पास 17 सीटें हैं। साल 2022 में ओबीसी वोटर को लुभाने के लिए सपा ने प्रदेश के तमाम छोटे दल के साथ गठबंधन तो किया था, जिसमें से राष्ट्रीय लोकदल RLD, सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी SBSP, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी जिसे अब जनवादी पार्टी भी कहा जाता है, अपना दल और महान दल शामिल हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इन सभी पार्टियों में से अब कुछ सीटों के लिए सपा के पास सिर्फ और सिर्फ महान दल का समर्थन ही है। इससे पहले सपा सिर्फ कांग्रेस के साथ चुनाव लड़कर नतीजा भुगत चुकी है, जब सपा ने 21% वोटों के साथ 47 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें मिली थी। उस समय भाजपा का वोट प्रतिशत था 39% और 312 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी, जिसके बाद 2022 में सपा ने छोटे दलों के साथ गठबंधन किया और अपने वोट परसेंट को बढ़ाया, साथ ही साथ 111 सीटों पर जीत हासिल भी की, जबकि RLD को 8 और SBSP को 6 सीटें मिली थी। गठबंधन में अन्य दलों को कोई सीट नहीं मिली थी, लेकिन BJP ने चुनाव जीता और 255 सीटों के साथ अपनी सत्ता बनाई। इस बार सपा को तो तब ही झटका लग चुका था जब जाट वोटर पर प्रभाव डालने वाली जयंत चौधरी की पार्टी RLD ने फरवरी में ही NDA को अपना समर्थन दिया था, जबकि 2022 के चुनाव के बाद SBSP के सुर भी बदले बदले लग रहे थे, जब पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव की बुराई करना शुरू किया और फिर राष्ट्रपति चुनाव में SBSP विधायकों ने NDA के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में क्रॉस वोटिंग कर दी थी। इस बीच अपना दल और अपना दल से अलग हुआ समूह जन जनवादी पार्टी ने सपा के साथ बातचीत ना बन पाने के कारण अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इस सबके बीच जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का वो बयान, जहाँ वो कहते हैं कि छोटी पार्टी पार्टी के लिए कोई मायने नहीं रखती और उनके पास कोई आधार भी नहीं है। इसके साथ ही वे छोटी पार्टियों पर स्वार्थी होने का आरोप भी लगाते हैं। हालांकि अपना दल की नेता पल्लवी पटेल, जो 2022 में सपा के ही टिकट से जीती थी, वो खुद इस टूट के लिए सपा को जिम्मेदार ठहराती हैं। उनका दावा है कि सपा ने खुद घोषणा की थी कि इस बार कोई गठबंधन नहीं होगा। बता दें कि अपना दल से अलग हुए समूह जन जनवादी पार्टी ने प्रदेश की सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसमें से आजमगढ़ सीट भी शामिल है। अगर महान दल की बात करें तो महान दल के प्रमुखों ने सपा और बसपा दोनों से सिर्फ 2 सीटों की मांग की थी, लेकिन दोनों ही पार्टियों में से किसी ने भी उनको एक भी सीट देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद थक हार कर महान दल ने सपा को अपना समर्थन देने का फैसला किया कि जहां सपा चुनाव लड़ेगी वहीं सिर्फ महान दल का समर्थन उसे मिलेगा। इसका मतलब है कि जहां कांग्रेस चुनाव लड़ती है वहां महान दल का समर्थन बसपा को चला जाएगा। यहां सीट सपा और बसपा से नहीं मिली, लेकिन महान पार्टी विरोध कांग्रेस का कर रही है। बता दें कि इसके पीछे की वजह है 2009 और 2014 के समर्थन के बाद जब 2019 में महान दल और कांग्रेस के बीच बात नहीं बनी तो इन दोनों पार्टियों की राह अलग अलग हो गई और महान दल ने अपना समर्थन जाकर BJP को दे दिया। इस बीच भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाली आजाद समाज पार्टी के साथ SP की भी बातचीत विफल रही।
एएसपी अब यूपी में अकेले चुनाव लड़ रही है। पश्चिमी यूपी में दलितों पर खास प्रभाव रखने वाली आजाद ने खुद चुनाव लड़ने के लिए एएसपी के नगीना सीट की मांग की थी, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि एएसपी प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद को सीट देने को लेकर पार्टी में कोई चर्चा नहीं रही। वह जयंत चौधरी के साथ पहले से ही रह रहे हैं, उनका सपा से कोई लेन देन नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यूपी में सपा और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे के सहारे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि अगर गठबंधन विफल हो जाता है तो कौन सी पार्टी किसके ऊपर इसका बिल फाड़ेगी। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता।